अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए आज चंद्रपुर से बाहर पूना, नासिक, मुंबई, हैदराबाद और उनको लगता है कि बाहर हमारा करियर बनेगा। तो ये चीज इतनी क्यों हो रही है जबकि चंद्रपुर ड्यूटी कम से कम ने जो देखा हमारे आपने देखे तो करीब 6,000 करोड़ रुपया चंद्रपुर के रुको ना भैया वो तो कोयले में झाड़ उग गए दिख रहे वो भी दिखा। कोयले की मिलावट एक तो शॉर्टेज के नाम से बहुत वातावरण में गड़बड़ की गई। जो भी स्पॉन्ज आयरन का डस्ट था जो मिट्टी पत्थर उस पर पानी मारकर 40-45% उसको बढ़ाकर इंडस्ट्री सप्लाई की गई उससे बहुत सारे उद्योगों की हालत ख़राब हो गई। आज कोयला जो पिछले एक साल पहले 5,000 रुपये था उसका वैल्यू 14-15,000 हो गया और उसके बाद ऐसा भीषण सबसे ख़राब कोयला मिले शॉर्टेज के नाम से तो इंडस्ट्री की वैसे कमर टूट गई। पावर हाउस की भी वैसे कमर टूटी है, सीमेंट की टूटी है और इससे चंद्रपुर बड़ी और नागपुर जैसे इलाके भी जहाँ कोयला सप्लाई होता है बदनाम हो रहा है। हमारी सरकार से अनुरोध है राज्य सरकार केंद्र सरकार से जो ऐसा काम कर रहे हैं उनकी ईडी सीबीआई इनकम टैक्स जिस तरह की इंक्वायरी होती है वो इंक्वायरी होनी चाहिए उससे पता लगे कि जो उद्योगों को नुकसान हो रहा है। एक उद्योग बंद होता है तो कम से कम 300-400 लोगों का रोजी रोटी जाती है और ऐसे कई उद्योग बंद होने के रास्ते में कोयले के कारण आ गए हैं जी। देखिए स्मृति मार्ग से जो कहा गया है कि इससे स्मृति विदर्भ में आएगी लेकिन चंद्रपुर सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाला आज पूरे महाराष्ट्र को 95% इलेक्ट्रिसिटी, 90% सीमेंट, 75% कोयला और उसी हिसाब से पेपर 90% इस जिले से जा रहा है। फॉरेस्ट के बहुत प्रोड्यूस जा रहे हैं उसके बावजूद भी अगर हमको खाली 2 लेन हाईवे मिले तो उससे क्या फ़ायदा होगा। स्मृति अगर जाती है गोंदिया और गढ़चिरौली तक वहाँ का विकास होता है तो आज जब हम सरकार को इतनी रेवेन्यू देते हैं जीएसटी सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू दे रहे हैं चंद्रपुर के उत्पादन से तो चंद्रपुर के प्रति पहले सोचना चाहिए और स्मृति हाईवे को गोंदिया